हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 आर एनवायरनमेंट, उसका हम कंटिन्यूशन पढ़ने वाले हैं आज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और दो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट जो है हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, पहला हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट। और सेकेंड हमारे पास है आ गया होगा समझ आपको अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये दो मेजर क्या है कंपोनेंट्स है किसके, इकोसिस्टम में, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो आपको समझ में आएगा बायोटिक मींस लिविंग, यहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स मिलने वाली हैं। और अबायोटिक के अंदर अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग फिजिको केमिकल्स फैक्टर्स मिलने वाले, ठीक है, या हम सिंपली अगर बात करें तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करने वाले। तो लिविंग के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल अगर हम यहां पर ले लें तो एग्जांपल हमारे पास क्या क्या आ गया लिविंग के अंदर, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रोब्स हो गए। ठीक है, नॉन लिविंग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो नॉन लिविंग के अंदर आपके पास क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए और तीसरे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके पास आ गए और इनऑर्गेनिक हो गए, ऑर्गेनिक हो गए और क्लाइमेटिक हो गए। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, तो इस तरीके से आपको बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलने वाले। और आपको पता ही है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और इस इंटरेक्शन को की वजह से क्या होता है, एक सिस्टम फॉर्म होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जो है पहले वो स्टार्ट करते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड देन फिर हम क्या करेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से इफेक्ट्स करते हैं, तो क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके, क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास मेनली कौन कौन सा, हमारे पास बेसिकली तीन सब कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं हमारे पास, जैसे कौन कौन से हैं, फर्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर आगे हमारे पास प्रोड्यूसर, ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आएंगे इसके अंदर कंज्यूमर, हमने इसको कैटेगराइज किया हो गया है लिविंग कंपोनेंट्स को, और तीसरा हमारे पास इसके अंदर क्या है डीकंपोजर्स। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है डीकंपोजर्स। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर, लिविंग कंपोनेंट्स के बारे होते हैं इसके अंदर, और लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, और इनके अंदर इसको हम कैटेगराइज करें, ठीक है, सिस्टमेटिकली, तो इन्होंने कैटेगराइज किया किसके अंदर, प्रोड्यूसर्स के अंदर, कंज्यूमर्स के अंदर और डीकंपोजर्स के अंदर। वन बाय वन करते हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास कंपोनेंट है, पहला हमारे पास क्या है प्रोड्यूसर्स, क्या है हमारे पास प्रोड्यूसर्स। अब देखो प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर, अगर हम बात करें कोई भी प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूस मतलब खुद प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, जैसे सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या होते हैं इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या करिए कोई प्रोडक्ट बना रही है,
वो भी क्या है, एक टाइप की क्या है, प्रोड्यूसर है। और मान लीजिए इंडस्ट्री अगर कोई प्रोड्यूस कर रही है सामान और वो सामान बनाना बंद कर दे, तो क्या होगा, वो सामान जो होगा, जो भी वो बना रही है वो क्या होगा, लोगों तक पहुँचेगा नहीं। अगर वो असेंशियल गुड्स है, असेंशियल के अंदर आता है, मान लीजिए बहुत ज़रूरी चीज़ों के अंदर आता है, जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर वो चीज़ नहीं बना पा रहे हैं तो सिंपली बात है वो चीज़ हमें मिलेगी, और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी दैट मीन्स वो उससे जो होने वाला काम है वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, कोई मेडिसिन या ड्रग्स डिजाइन कर रही है, और वो क्या है, तो क्रिटिकल पेशेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, सिंपली बात है जो बनाएगी प्रोड्यूस करेगी तभी उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब वहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोड्यूस करने वाली कंपनी क्या करेगी, प्रोड्यूस नहीं कर रही, सिंपल सी बात है प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो क्या होगा, मिलेगा। तो प्रोड्यूसर इकोसिस्टम के अंदर हम बात करें तो प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है आपको, तो प्रोड्यूस करने का काम आपको पता है, प्रोड्यूसर में हमारे पास क्या आते हैं, प्लांट्स। ठीक है, क्या आते हैं, प्लांट्स। अब प्लांट्स जो होते हैं, सिंपल सी बात है, इनके पास ये कैपेबिलिटी रहती है, ठीक है, क्या करने की, अपना फूड खुद बनाने की। ठीक है, हमारे पास क्या है, इस टाइप की कैपेबिलिटीज नहीं है कि हमारा फूड क्या हम खुद बना सकते, अगर ऐसी कैपेबिलिटी हमारे पास होती तो हम इसके ऊपर डिपेंड्स नहीं होते। तो प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, हम डिपेंड्स करते हैं, या जो भी हाइड्रोट्रॉफ्स है डिपेंड्स करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो प्लांट्स ऐसा क्या करते हैं, प्लांट्स के पास ऐसा क्या होता है, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी कि प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स के पास स्पेशल एपरेटस रहते हैं ऐसा करने के लिए, और ये वो एक्टिविटी है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके आते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, या सिंपली अगर हम बोले क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं, कहाँ से, एटमोस्फियर से, वाटर लेते हैं कहाँ से, सॉइल में से। ठीक है, और इनके पास, ठीक है, क्या होता है, उसका हमारे पास क्या है, इनके पास ऐसा एपरेटस जो इन्हें लाइट को ट्रैप करने में करता है, हेल्प करता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, जो हेल्प करता है क्या करने में, सनलाइट को ट्रैप करने में। ठीक है, और ये इन चीजों का यूज करके क्या करते हैं, बनाते हैं क्या, ग्लूकोज। ठीक है, या फूड बोल सकते हो, या फिर अगर हम स्टोर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या बनाते हैं, स्टार्च, दैट मीन्स फूड बना रहे हैं। केमिकल्स लाइट एनर्जी को यूज करने का है, केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है कि लाइट एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसके लिए एक टर्म यूज होती है, तो आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे क्या है व्हाट्सएप पे इसको सेंड करें, क्या बोलते हैं उन्हें हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सिंपल सबसे क्या यूज करते हैं, फूड की फॉर्मेशन करें, तो इस फूड पर क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, एनिमल्स लाइक हर्बीवोर्स जो करते हैं डिपेंड्स करते हैं, तो हर्बीवोर्स कौन खाता है, कार्निवोर्स खा लेते हैं। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये फूड ही नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है हर्बीवोर्स इनको खा नहीं पाएंगे, और अगर हर्बीवोर्स इनको नहीं खा रहे दैट मीन्स सिंपली क्या होंगे, वो मर जाएंगे, और अगर वो मर गए तो कार्निवोर्स जो उन पर डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए वो भी नहीं रहेंगे, तो इस तरीके से एक सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए प्रोड्यूसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या है, दो चीज़ें हैं अगर हम यहाँ पे आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको। एक हमारे पास क्या है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियस एरिया है, और एक हमारे पास क्या है, एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हमारे पास क्या है, लैंड वाला पार्ट, जनरली वहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे लाइक हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, या फिर आपको ट्रीज मिलने वाले हैं। और एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी हमें प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक टर्म से बताना चाहता हूँ, दैट मीन्स वो टर्म्स रहते हैं हमारे पास क्या होती हैं, फाइटोप्लैंकटन। ठीक है, एक चीफ सोर्स की फॉर्म में काम करते हैं ओशियंस में, रिवर्स में। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये, फाइटोप्लैंकटन। प्लैंकटन वर्ड जो होता है, प्लैंकटन जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वो ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास खुद की कोई मूवमेंट नहीं होती, दैट मीन्स कैपेबिलिटी नहीं होती मूव करने की, तो वाटर करंट की हेल्प से करते हैं, हेयर एंड देयर करते हैं मूव करने। और ये प्लैंकटन्स के अंदर हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक प्लांट वाले प्लैंकटन्स, एक होते हैं एनिमल वाले प्लैंकटन्स। ये मैं आपको एक टर्म डिस्कस करा रहा हूँ अभी,
इस टर्म को हम बहुत बार यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो प्लांट वाले प्लांकटॉन जो होते हैं उन्हें बोलते हैं फाइटो प्लांकटॉन्स, ठीक है, जो करते हैं सनलाइट का यूज करते हैं, फूड की प्रोडक्शन करते हैं कहाँ पे, वाटर बॉडी के अंदर। और दूसरे हमारे पास होते हैं जू प्लांकटॉन। जू प्लांकटॉन क्या होते हैं, एनिमल वाले प्लांकटॉन्स, यानी क्या होते हैं हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो इन फाइटो प्लांकटॉन्स को करते हैं फीड करते हैं, ठीक है, अपने लिए। ओके, तो ये कहलाते हैं फाइटो प्लांकटॉन्स कहलाते हैं। ये टर्म्स जो है आपको याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पढ़ रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स के अंदर हमने क्या देखा है कि प्रोड्यूसर वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। हम इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं, और प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना। और ये प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके पास कैपेबिलिटी होती है ऐसा करने की, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो हाइड्रोट्रॉफ्स होते हैं वो उन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं डिपेंड्स करते हैं। और ये जो फूड बनाते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होता है, स्पेशल एपरेटस होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया इनके पास, आप पता ही आपको इस चीज़ का, सनलाइट यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं, ठीक है, वाटर यूज करते हैं, और एक स्टेट पे फॉर एग्जांपल क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। जैसे प्लांट जनरली क्या है, फिक्स्ड एक पोजिशन पे, यहाँ वहाँ मूव नहीं करते हैं एनिमल्स की तरह अपने फूड के लिए। तो इनके पास इस टाइप के एपरेटस डिजाइन किए गए हैं ताकि ये एक ही जगह पर अगर अपने फूड की तरह उसके प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो इस टाइप के एपरेटस क्या है, इसके अंदर नेचर के अकॉर्डिंग क्या हुए डेवलप हुए, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर के अंदर आपको एक नई टर्म देखने मिली यहाँ पे, क्या होती है वो प्लैंकटॉन करके। प्लैंकटॉन जो होते हैं दीज आर द डवेलिंग इंडिविजुअल्स होते हैं जो वाटर करंट की हेल्प से एयर एंड एयर क्या करते हैं मूव करते हैं, ठीक है। अगर वाटर मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये नहीं है कि इनके अगेंस्ट मूव करेंगे, अगर इनके अगेंस्ट मूव करें तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नेक्टॉन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उनकी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। और प्लैंकटॉन्स जो होते हैं उनके पास खुद की कोई मूवमेंट नहीं होती, बहुत ही लाइट और बहुत ही माइन्यूट होते हैं। तो इनके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, प्लांट वाले प्लैंकटॉन जो होते हैं उन्हें हम फाइटो प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, एनिमल वाले प्लैंकटॉन जो है हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंकटॉन बोलते हैं, ठीक है। फाइटो प्लैंकटॉन जो होते हैं एक चीफ सोर्स के फॉर्म में काम करते हैं रिवर वाटर बॉडी के अंदर, जो करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के बाद करते हैं फूड की प्रोडक्शन करते हैं, जिसके ऊपर क्या करते हैं हर्बीवोर्स करते हैं डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मुझे आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम किसकी नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कंज्यूमर इसके अंदर, उसको मैं कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सॉरी, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।